अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं अतीक बिजनेस आइडियाज़ और मैं हूं अतीक अहमद। आज का बिजनेस आइडिया नहायत शानदार है। आप तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करके आसानी से 1 लाख रुपए तक महाना कमा सकते हैं। यकीनन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा जो है ना वो मन अपना जो है ना वो लगाना पड़ेगा, तभी आप कमा सकेंगे। ये कौन सा बिजनेस आइडिया है, कैसे करना है, कितने में करना है और कहाँ करना है, इस सब कुछ के बारे में आपको डिटेल इस वीडियो में देंगे। वीडियो को आखिर तक देखें आप, ताकि आपको पूरी डिटेल मिल सके। तो अगर आप इस वीडियो पर पहली दफ़ा आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर तक क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी डेली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बार वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल नित नए किस्म के बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं। जिस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये नहायत ही शानदार है, हर जगह पर यूज़ होने वाली है, हर घर के इस्तेमाल में रहती है, हर शॉप पर तकरीबन इस्तेमाल होती है, और ख़ास कर इलेक्ट्रिसिटी में और खेलों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं आपको टेप कटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि टेप कटिंग का बिजनेस आपने कैसे करना है, कहाँ करना है। सबसे पहले आपने इसके बारे में रिसर्च करनी है कि आप कौन सी टेप कटिंग करना चाहते हैं। आप जो है ना वो सोल्यूशन टेप का काम करना चाहते हैं, आप कार्टन पैकिंग टेप का इस्तेमाल जो है ना वो काम करना चाहते हैं, आप करेंसी नोट वाली टेप का करना चाहते हैं, गो कि आप एक ही मशीन पे सबकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने रिसर्च करनी है कि कौन से एरिया में कौन सी ज़्यादा सेल होगी। जब आपने रिसर्च कर ली, इसके बाद आपको एक शॉप चाहिए होगी या एक जगह चाहिए होगी, कि जो है ना वो रूम चाहिए होगा जहाँ आप मशीन लगा सकें। जब आप एक जगह का जो है ना इंतखाब कर लें, इन जगह आप इसके लिए कोई भी ले सकते हैं, बहुत कम रेंज पे, या अपने घर में भी इस्तेमाल जो है ना वो कर सकते हैं, किसी एक रूम में मशीन ला के लगा लें, तो आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। रॉ मटेरियल लेने के लिए आपको कहीं से भी जो है ना वो सोल्यूशन टेप मिल जाएगी। आप लाहौर से ले सकते हैं, पिंडी से ले सकते हैं, कराची से ले सकते हैं, फैसलाबाद से ले सकते हैं, कहीं से भी बड़े रोल ले लें, उनको लाएँ, मशीन पर रख के उनकी कटिंग शुरू कर दें। अब सबसे बड़ा मसला जो है कि मशीन कहाँ से मिलेगी, कितने में मिलेगी। दोस्तों, आज वैसे तो आप जो है ना वो ऑनलाइन अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, या जो है ना वो ट्रेड की से, या कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिद्दत आ रही है। पाकिस्तान में भी टेप कटिंग मशीन बनानी शुरू की हुई है, आपको आसानी से जो है ना वो पाकिस्तान से भी मिल जाएगी। इसमें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, एक हेड वाली होती हैं, दो हेड वाली होती हैं, या मल्टी हेड वाली होती हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी ज़रूरत की क्या है। जो सस्ती मशीन है एक हेड वाली, वो तकरीबन आपको 2 से 2.5 लाख में मिल जाएगी। उससे बड़ी, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। जो तकरीबन 2, 2.5, 3 लाख में आपको मशीन आएगी, वो इतनी टेप आपके लिए कटिंग कर दिया करेगी कि आप आसानी से महीने में 70-80 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। फिर आपने मशीन ले ली, 3 लाख की जगह आपने अपने घर में कर ली, फिर इसका मेन मसला रह जाता है सेलिंग। आपने सेलिंग कैसे करनी है? सबसे पहली बात तो यह है कि आप होल सेलर को पकड़ें, उनकी पैकिंग अगर आपकी टेप की अच्छे से है, अपना ब्रांड बनाएं और होल सेल वालों को बल्क में सेल करना शुरू कर दे। वहाँ आपको शायद प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा सेल होगी तो आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। इसके बाद रिटेल में हर शॉप की तकरीबन ये ज़रूरत है, ख़ासकर किराना स्टोर और टेप बाल, जहाँ पे जो है ना वो खेलों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, और इलेक्ट्रीशियन की शॉप, इनमें ये खसूसन इस्तेमाल होती है। किताबों की दुकान पे ये खसूसन इस्तेमाल होती है। वहाँ आप अगर रिटेल में सेल करना चाहते हैं, तो जो आपके एरिया के सेलमैन है उससे रब्ता करें और रिटेल में सेल करना शुरू कर दें। बल्क में, कि मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि बल्क में सेल करें, लाहौर में, कराची, पिंडी में इस्तेमाल शेयर जो है ना वो सेल करें, किसी बल्क वाली शॉप, होल सेल वाली शॉप पर अपना सामान रख दें, वहाँ पर आसानी से और ज़्यादा सेल होता जाएगा। जो जो आपके जो है ना ज़्यादा प्रोडक्ट निकलती रहे, तो आपके जो है ना उसी तरह बड़ी मशीन लेते हैं। जो आपकी बड़ी मशीन हो जाएगी, तो आपका बिज़नेस बड़ा हो जाएगा, आपको उसका ज़्यादा टर्नओवर आना शुरू हो जाएगा। छोटा सा बिज़नेस आइडिया है, थोड़ी सी जो है ना लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडिया है, लेकिन अच्छी अर्निंग वाला आइडिया है। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।